दिल्ली पटना के लिए चली वंदे भारत ट्रेन, दिवाली और छठ से पहले रेलवे ने दिया तोहफा। यूपी के छोटे शहरों में भी विकास की बड़ी बयार बहा रही योगी सरकार, एक महीने में 13,000 करोड़ की सौगात। पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में तैनात मेजर सेना ने किया बर्खास्त। दो नवंबर को गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल, आपका दावा ये पार्टी को खत्म करने की साजिश। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब, लगातार चौथा दिन बेहद खराब। त्योहारों के मौसम में लगा महंगाई का झटका, एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, इन नाम पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को डेंगू बुखार, डॉक्टर प्लेटलेट्स काउंट कम होने से चिंतित। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस में धमाका, ऑक्सीजन बंद होने से महिला की मौत। थाईलैंड जाने के लिए अब नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत, भारतीयों के लिए थाई सरकार ने दी छूट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।